हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? हाँ जी, क्या हाल चाल है आप लोगों के? हाँ जी, माय नेम इज वरुण जैन एंड आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन। दिस चैनल इज बेसिकली एन इनिशिएटिव फॉर ऑल द कॉमर्स स्टूडेंट्स। बेसिकली मैं इस चैनल के माध्यम से सारे कॉमर्स स्टूडेंट जितने भी हमारे हैं उनसे बातचीत करूंगा, जितने हमारे प्रोफेशनल्स हैं उनसे बातचीत करूंगा, जितने भी हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के स्टूडेंट्स हैं उनसे बातचीत करूंगा। जनरली मैं क्या करूंगा, इस चैनल के माध्यम से नॉलेज इनिशिएटिव वीडियो शेयर करूंगा, कुछ अपडेट सीरीज में लेके आऊंगा और जनरल बातें भी कुछ मैं डिस्कस करूंगा, मोटिवेशन एंड ऑल, वो सब प्रोफेशनल्स के लिए और भी लोगों के लिए। सो आई वॉन्ट यू टू सब्सक्राइब दिस चैनल। इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपको रीसेंट अपडेट्स की इंफॉर्मेशन, जानकारी मिलती चली जाएगी। आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो करेंगे जी सीए कोर्स के बारे में, चार्टर्ड अकाउंटेंसी के कोर्स के बारे में। जो जो भी स्टूडेंट्स सीए कोर्स में एंटर होना चाहते हैं या जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, जिन्होंने एंट्री ले ली है, तो कोई भी चीज करने से पहले हमें उसके बारे में जानकारी होनी बहुत जरूरी है। तो मैं आप लोगों को सीए कोर्स के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूंगा। सो आइए जी, हम डिस्कशन लेंगे सीए कोर्स के बारे में। चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टीजियस कोर्स, मेरा खुद का पर्सनली बहुत ही फेवरेट कोर्स है फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स। सर, व्हाई दिस कोर्स इज सो प्रेस्टीजियस? इतना प्रेस्टीजियस क्यों है? चार्टर्ड अकाउंटेंट की मार्केट में एक अलग ही वैल्यू होती है, एक अलग ही रिस्पेक्ट होती है, एक अलग ही इमेज होती है। टॉप मोस्ट प्रोफेशनल में काउंट किया जाता है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट। आज के टाइम को अगर हम देखें, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा हो गई है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, मोदी जी ने इतने सारे चेंजेस करे, पहले डिमोनेटाइजेशन लेके आए, उसके बाद जीएसटी लागू किया और अब कुछ इनकम टैक्सेस में भी चेंज करने वाले हैं, लाइक डायरेक्ट टैक्स कोड एंड ऑल। कुछ अकाउंटिंग एडवाइजरी, कुछ अकाउंटिंग प्रोफेशन में चेंज किया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बदल के इंडेक्स किया, मतलब ये सारी चीजें जो हैं, जितने भी चेंजेस आए, तो इससे क्या हुआ, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का रोल और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिमांड बहुत ज्यादा होगी, तो मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा कॉमर्स स्टूडेंट्स को टू ऑप्ट दिस कोर्स। अब बच्चों के दिमाग में क्या आता है कि सर, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स, सीए कोर्स अच्छा तो है, प्रेस्टीजियस तो है, सर बहुत टफ है ये कोर्स, क्या ऐसा एक्चुअली में है? देखिए बच्चे, लाइफ में कोई भी चीज टफ नहीं होती, टफ की कोई डेफिनेशन नहीं है। कोई चीज अगर हमसे नहीं हो रही है तो हम उसको टफ कह देते हैं, या अगर किसी चीज में हमने एफर्ट नहीं लगाए और वो हमसे नहीं हुई तो वो हमारे लिए क्या बन जाएगी, टफ बन जाएगी। जो जो भी लोग ये कहते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स बहुत टफ है, वो बहुत नेगेटिव लोग हैं। सो उन नेगेटिव लोगों से आप लोगों को दूर रहना है। कोई भी प्रोफेशनल होगा, कोई भी सीए होगा या कोई और प्रोफेशनल होगा, वो कभी भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स को टफ नहीं बोलेगा। सीए कोर्स को वो ही टफ बोलते हैं जो या तो बीच में मैदान छोड़ के भाग जाते हैं, मैदान छोड़ के भाग गए मतलब सीए ऑप्ट तो कर लिया बट उनसे हो नहीं पाई, हिम्मत हार गए, चले गए, या तो वो लोग टफ बोलेंगे सीए कोर्स को, या जिनके अंदर इतनी काबिलियत ही नहीं थी कि वो सीए कोर्स को कर पाए, वो लोग छोड़ के चले जाएंगे। वही एक ऐसे लोग है जो बोलेंगे सीए कोर्स टफ है, अदरवाइज कोई भी नहीं बोलेगा। एंड मार्क माय वर्ड्स, सीए कोर्स इज नॉट एट ऑल टफ, दिस इज अ वेरी 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 इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी कोर्स। फर्क क्या है इसमें, यू हैव टू बी सिंसियर, आपको बहुत सिंसियर होना पड़ेगा, फोकस्ड होना पड़ेगा, अटेंटिव होना पड़ेगा एंड बहुत ही आपको समझदार होना पड़ेगा। सर, समझदार इन द सेंस, नॉलेज के सेंस में? जी नहीं, नॉलेज तो आपको कोर्स करते करते मिलेगी, बट आपको बहुत ही एक फोकस होके, एक स्मार्ट स्टडी के तरीके से आपको काम करके चलना पड़ेगा। अगर आप मस्ती मजाक में सोचेंगे तो बच्चे ये कोर्स नहीं हो पाएगा। टफ क्यों लगता है कोर्स? सर, कोर्स का कंटेंट बहुत ज्यादा है, 6-6 महीने का कोर्स है, 8-8 महीने की स्टडी है। अगर उसको आप सोचेंगे कि 8 महीने की स्टडी को मैं 1 महीने में कर लूं, तो वो तो पॉसिबल नहीं है, तो वो पॉसिबल नहीं होता, बच्चे फेल हो जाते हैं, इसलिए बोलते हैं टफ है कोर्स। जो आईसीएआई है, बताऊंगा मैं आईसीएआई कौन है, जो इंस्टीट्यूट है जो सीए कोर्स कंडक्ट कराता है, सुनने में आता है क्या कि वो रिजल्ट बहुत कम निकाल रहा है। एक्चुअली में सर ऐसा क्या है,
बिल्कुल जी, रिजल्ट कम आता है बट उसके पीछे एक कारण है। क्या कारण है? उसके पीछे बच्चे ये कारण है कि अगर आईसीआई बहुत ज्यादा रिजल्ट निकालने लग जाएगा तो डिमांड कम हो जाएगी। तो डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और वो जान के रिजल्ट को डाउन नहीं करता, रिजल्ट बच्चों की खुद की गलतियों की वजह से डाउन होता है। आईसीएआई स्टूडेंट को प्रॉपरली टेस्ट करता है कि क्या वो मार्केट में ले जाने के लायक बन गया है या नहीं। इज द स्टूडेंट इज कैपेबल ऑफ बीइंग स्टैंड इन द मार्केट एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्या स्टूडेंट के अंदर इतनी कैपेबिलिटी आ गई है या नहीं? अगर जरा सी भी कमी आईसीएआई को लगती है तो वो उसको रोक देता है कि बोलता है कि इस अपनी नॉलेज को, अपनी स्किल्स को और शार्पन करो और अपने आप को पॉलिश करो, क्योंकि आईसीएआई चाहता है कि एक परफेक्ट मटेरियल वो मार्केट में ऑफर करे इन द फॉर्म ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है जी, हाँ जी। अब सीए कोर्स सर होता कहां से है? कौन कराता है सीए कोर्स? ऑल ओवर इंडिया एक इंस्टीट्यूट है, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, शॉर्ट में हम बोलेंगे इसे आईसीएआई या इंस्टीट्यूट। तो आईसीएआई इज द प्रीमियर बॉडी जो कि सीए कोर्स कराती है, और कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जो सीए कोर्स कराता है। आइए जी, कुछ भी जानने से पहले और डिटेल में जानने से पहले सबसे पहले मैं आपको आईसीएआई का विजन और मिशन बताऊंगा। आईसीआई का विजन क्या है? जिस भी इंस्टीट्यूट में, जिस इंस्टीट्यूट में हम जा रहे हैं, हमें पता होना चाहिए कि हमारा विजन क्या है इंस्टीट्यूट के साथ, और हमारा विजन क्या मैच करता है या नहीं। आईसीआई का मिशन और हमारा मिशन मैच करता है या नहीं। आइए, ये बच्चे छोड़ देते हैं, इस पर ध्यान नहीं देते। आधे लोग, आधे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं उनको भी नहीं पता होता आईसीआई का विजन और मिशन क्या है। तो आइए जी, आईसीआई के विजन और मिशन पे चलते हैं। ये सीए कोर्स का प्रोस्पेक्टस है, इसमें आपको विजन और मिशन मिलेगा। देखिए जी, आईसीआई का विजन क्या कहता है? आईसीआई बिकम्स वर्ल्ड्स लीडिंग, हाँ जी, वर्ल्ड्स लीडिंग अकाउंटिंग बॉडी और रेगुलेटर एंड द डेवलपर ऑफ ट्रस्टेड एंड इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल। पूरे के पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे के पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरे के पूरे वर्ल्ड में लीडिंग अकाउंटिंग बॉडी, मतलब पूरे के पूरे वर्ल्ड में आईसीएआई को रिकॉग्नाइज किया जाता है एज एन अकाउंटिंग बॉडी, जो कि क्या करती है, एक ट्रस्टेड। अब आई ट्रस्टेड वर्ड क्यों यूज किया? क्योंकि आईसीएआई को अपने मेंबर्स में बहुत ट्रस्ट है। अब बहुत सारे फ्रॉड्स में भी सीए फंस रहे हैं, तो बच्चे मेरी आपसे दरख्वास्त है, आप प्रोफेशन ऑप्ट कर रहे हैं तो प्रोफेशनल एथिक्स में रहिएगा, कभी भी धोखा नहीं करना है, गलत काम नहीं करने हैं। यू हैव टू बी ट्रस्टेड एंड इंडिपेंडेंट, मतलब खुद का काम करने वाले। तो आपको आईसीएआई के ट्रस्ट को कभी भी ब्रेक नहीं है करना है, क्योंकि अगर सीए पकड़ा जाता है या सीए के ऊपर कोई नेगेटिव बात आती है तो इंस्टीट्यूट का नाम खराब होता है और उसके साथ जुड़े जुड़े जितने भी प्रोफेशनल्स हैं उनका नाम खराब होता है। कई बार आपने सुना होगा, कई बार आप लोगों ने ये सुना होगा कि इंस्टीट्यूट में एक सीए में प्रॉब्लम आ गई है, सीए को अरेस्ट कर लिया गया, या अभी एक न्यूज आई थी कि सीए को एक अरेस्ट कर लिया गया। बच्चे गलत काम करने वाले हर फील्ड में आपको मिल जाएंगे, गलत काम करने वाले हर फील्ड में मिल जाएंगे, बट गलत काम करने से कोई भी बच्चा बंदा सक्सेसफुल नहीं रहता। सो गलत काम बिल्कुल भी ऑप्ट नहीं करने, इससे क्या होगा, गलत काम से आपका तो करियर खत्म हुआ ही हुआ, इंस्टीट्यूट की भी इमेज डाउन होती है, और इंस्टीट्यूट के सिर्फ आप अकेले मेंबर नहीं है, और भी मेंबर्स हैं, उनकी भी वैल्यू पे असर पड़ता है। सो अपने लिए नहीं तो इंस्टीट्यूट के लिए या और मेंबर्स के लिए रिक्वेस्ट है कि कभी भी ऐसी सोच भी दिमाग में मत लाइएगा कि मैं गलत काम करूंगा। आइए, सो विजन हम देख रहे थे आईसीए का। आईसीए बिकम्स वर्ल्ड्स लीडिंग अकाउंटिंग बॉडी और रेगुलेटर एंड डेवलपर ऑफ अ ट्रस्टेड एंड इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल विद वर्ल्ड क्लास कॉम्पिटेंसीज। किस फील्ड में? अकाउंटिंग की फील्ड में, इश्योरेंस मतलब ऑडिट एंड इश्योरेंस की फील्ड में, टैक्सेशन की फील्ड में, फाइनेंस की फील्ड में, एंड बिजनेस एडवाइजरी सर्विसेज की फील्ड में। यहां से एक चीज क्लियर होती है जो बच्चों के दिमाग में होती है कि जो सीए कोर्स है वो अकाउंटिंग का कोर्स है, ऐसा कुछ नहीं है। एक चार्टर्ड अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का भी मास्टर है, ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस का भी मास्टर है, टैक्सेशन का भी मास्टर है, फाइनेंस का भी मास्टर है, और बिजनेस एडवाइजरी सर्विसेज का भी मास्टर है। ये तो आईसीए का क्या है, विजन है। अब आईसीए का मिशन क्या है? मिशन 2030, 2030 तक आईसीए किस चीज के लिए काम करेगा? देखिए जी, आईसीआई विल लेवरेज टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पार्टनर विद इट्स स्टेक होल्डर टू इम्पार्ट वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, मतलब ऑल ऑफ द वर्ल्ड
रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन आपको मिली जाए, ग्लोबलाइज्ड ट्रेनिंग मिली जाए, एजुकेशन मिली जाए, ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट ग्लोबल प्रोफेशनल्स। ग्लोबल प्रोफेशनल्स का मतलब इंडिया में ही नहीं, हम बाहर भी काम कर सके आसानी से, हमारी बाहर भी वैल्यू बढ़े। टू डेवलप एन इंडिपेंडेंट एंड ट्रांसपेरेंट रेगुलेटरी मैकेनिज्म दैट कीप्स पेस विद द चेंजिंग टाइम्स, बदलते वातावरण के हिसाब से आईसीए एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो अपनी चीजों में भी चेंज करती है। इसका एक बड़ा एग्जांपल है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को रिप्लेस करके क्या लिया है जी, इंड एएस। जिनको भी ये नहीं पता तो मैं वैसे ही बता देता हूं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर द सेट ऑफ गाइडलाइंस फॉर परफॉर्मिंग द अकाउंटिंग। अकाउंटिंग करने के लिए एक गाइडलाइंस इश्यू करता है इंस्टीट्यूट, जिसे बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बट वो इंडिया तक ही लागू होती थी। बट अब क्या हो रहा है कि ग्लोबलाइज्ड एनवायरनमेंट आ गया, ग्लोबल इकोनॉमी के साथ ग्लोबल ट्रेड हमें करनी है, बाहर के कंट्रीज के साथ भी ट्रेड करनी है, तो हमें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बनाने हैं, जिसका नाम दिया गया है क्या, इंड एएस, ताकि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाहर भी रिकॉग्नाइज हो जाए। इंश्योर एडेरेंस टू हाईएस्ट एथिकल स्टैंडर्ड्स, यही मैं आपको बात बता रहा था कि इंस्टीट्यूट के एथिकल स्टैंडर्ड्स बहुत ही ज्यादा हाई हैं, जो भी गलत काम करते हैं तो यहां पर इस चीज पर, इस पॉइंट पर बच्चे इंपैक्ट आता है, तो कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। ओके, कंडक्ट कटिंग एज रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द एरियाज ऑफ अकाउंटिंग, एश्योरेंस, टैक्सेशन, फाइनेंस एंड बिजनेस एडवाइजरी सर्विस। मतलब एक प्रॉपर मास्टरी, एक प्रॉपर मास्टरी किस एरिया में, अकाउंटिंग में, अश्योरेंस में, टैक्सेशन में, फाइनेंस में एंड बिजनेस एडवाइजरी सर्विसेज में। एस्टैब्लिश आईसीआई मेंबर्स एंड फर्म्स एज अ मल्टी इंडियन मल्टीनेशनल सर्विस प्रोवाइडर। इंडियन मल्टीनेशनल सर्विस प्रोवाइडर मतलब बाहर की कंट्रीज के भी जो लोग आएंगे उनको भी हम प्रॉपरली सर्विस प्रोवाइड कर सके, जैसे क्लाइंट्स होते हैं तो एमएनसीज क्लाइंट्स को भी हम इजिली जोड़ सके। ठीक है, दिस इज वॉट, दिस इज द आईसीएआई विजन एंड मिशन। ओके जी, अब आईसीएआई के फंक्शंस क्या हैं? हाँ जी, अब आईसीएआई क्या क्या काम करता है, आइए एक बार फटाफट फंक्शंस को देखेंगे। द प्राइमरी फंक्शन, बच्चे ये कुछ बातें ये आपके कोर्स में नहीं है बातें, बट ये पता होना बहुत जरूरी है, पता होना बहुत जरूरी है, इसको आप दोबारा एक बार पढ़िएगा। आईसीएआई का फंक्शन क्या है, क्या क्या काम करता है आईसीएआई? रेगुलेट द प्रोफेशन ऑफ अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी के प्रोफेशन को पूरा का पूरा रेगुलेट कौन करता है, आईसीएआई चलाता है उसे। एजुकेशन एंड एग्जामिनेशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स, जो भी कोर्स, जो कोर्स की हम डिस्कशन कर रहे हैं उसकी पढ़ाई कराना, उसके एग्जाम कंडक्ट कराना। कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल एजुकेशन ऑफ मेंबर्स, सीए बनने के बाद भी आपकी कंटिन्यूअस पढ़ाई चलती रहती है, जिसको बोलते हैं सीपीई, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल एजुकेशन, जो लगातार चलती रहती है नॉलेज अपडेशन के लिए। ठीक है जी, पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्सेज भी होते हैं, जो मैं बता दूंगा आपको कौन कौन से पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्स होते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाने, पहले इंस्टीट्यूट ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए थे, अब क्या आगे जी, इंडेस आगे जी। प्रिस्क्रिप्शन ऑफ स्टैंडर्ड ऑडिटिंग प्रोसीजर, ऑडिट करने के तरीके, ऑडिट मतलब अकाउंट्स को चेक करना, ये आप पढ़ेंगे आपको पता लग जाएगा। तो अकाउंटिंग को चेक करने की जो गाइडलाइंस होती है, उसके जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो कौन बनाता है, वो भी आईसीएआई बनाता है। एथिकल स्टैंडर्ड, अपने मेंबर्स के लिए कुछ एथिकल स्टैंडर्ड्स बनाता है कि भैया हमें अच्छे तरीके से कैसे काम करना है। मॉनिटरिंग क्वालिटी थ्रू पीयर रिव्यू, आईसीएआई के ऊपर भी, इंस्टीट्यूट के मेंबर्स के ऊपर भी ऑडिट होता है, जिसे हम बोलते हैं पीयर रिव्यू, जो कि इंस्टीट्यूट कराता है कि मेंबर्स एथिकली काम कर रहे हैं, यानी क्वालिटी उनकी डाउन तो नहीं हो गई। इंश्योरिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ मेंबर्स, आईसीएआई के मेंबर्स की परफॉर्मेंस की, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स मीट करे, परफॉर्मेंस अच्छी है या नहीं। एक्सरसाइज डिसिप्लिनरी जुरिसडिक्शन, मतलब कंप्लेंट वगैरह करने के लिए भी मैकेनिज्म बना रखा है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिव्यू, ठीक है जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का रिव्यू करना। इनपुट ऑन पॉलिसी मैटर्स ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के जो भी नई भी नई नई पॉलिसी आती है वो आईसीआई के कमेंट्स जरूर लेती है। जैसे कि नई पॉलिसी अभी गवर्नमेंट का क्या आया था, जीएसटी आया था, तो जीएसटी के लिए इन गवर्नमेंट ने आईसीएआई के मेंबर से भी कमेंट, हर पॉइंट में, हर सेक्शन को, हर रूल को, कानून को बनाते हुए आईसीआई के मेंबर्स के भी कमेंट मांगे थे कि भैया आप अपने इनपुट्स दीजिए, क्योंकि आईसीआई क्या है, एक प्रीमियर बॉडी है, गवर्नमेंट को भी पता है कि इनसे ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन कोई भी नहीं हो सकते, तो वो उनके इनपुट मांगते हैं। तो दीज ऑल आर द फंक्शंस ऑफ आईसीएआई, इंस्टीट्यूट के क्या क्या फंक्शन है। अभी जो हम पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्स की बात कर रहे थे, उसमें ये तीन कोर्सेज आते हैं, आईएसए इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, डिप्लोमा इन इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन इंटरनेशनल टैक्सेशन, ये सब चीजें आती हैं। कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज भी हैं, तो ये सब आप एक बार देख लीजिएगा, बहुत सारे कोर्सेज हैं।
जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ये काफी सारे कोर्सेज आईसीएआई करा के चलता है अपने मेंबर्स को, ठीक है जी। अब इस पॉइंट पे आइए, पढ़िए जी। एज अगेंस्ट अ मेजर मेंबरशिप ऑफ 1700 इन 1949 क्या था, वो एक ऐसा दिन था, वो एक ऐसा ईयर था जब आईसीआई का फाउंडेशन हुई थी, आईसीआई सेटअप हुआ था, तब सिर्फ 1700 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स थे और एट प्रेजेंट इंस्टीट्यूट के मेंबर्स कितने हैं, 2,70,000। अब इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, 100 करोड़, 100 करोड़ में से 2,70,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट, यानी कि 0.027% लोग ही चार्टर्ड अकाउंटेंट है। अगर हम मोटा मोटी बात करें तो 0.5% आप ले लीजिए कि 0.5% ही चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, मतलब अगर आप सीए क्लियर कर लेते हो तो आप उन आधे परसेंट लोगों में आ जाओगे। इसका मतलब 99.5% लोगों की तो कैपेबिलिटी ही नहीं है सीए करने की। आप उन 0.5% लोगों में से जिन्होंने सीए को ऑप्ट किया है, दैट इज व्हाई दिस इज द मोस्ट प्रेस्टीजियस एंड रिस्पेक्टेबल कोर्स इन इंडिया। समझे, समझ में आया इस पॉइंट? हाँ जी। अब ये वाला पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए कितनी अच्छी बात लिखी है। द इंस्टीट्यूट इज प्लेइंग अ प्रोमिनेंट रोल इन इंटरनेशनल अकाउंटिंग बॉडीज बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मेंबरशिप एंड एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन द एक्टिविटीज ऑफ इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स आईफैक, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड आईएएसबी, कॉन्फेडरेशन ऑफ एशियन एंड पैसिफिक अकाउंटेंट सीएपीए एंड साउथ एशियन फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट साफा। मतलब इंटरनेशनल अकाउंटिंग बॉडीज में भी आईसीए का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि पता है इंडिया में अकाउंटिंग बॉडी कौन सी है, अकाउंटिंग रेगुलेटर कौन सा है, आईसीआई। तो आईसीआई का इंटरनेशनल अकाउंटिंग में भी बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है जी। हाँ जी, आइए नेक्स्ट। अब जो इंस्टीट्यूट ने सीए के कोर्स को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, एक तो फाउंडेशन है जिसे बोलते हैं फर्स्ट लेवल, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट इज योर सेकेंड लेवल, एंड फाइनल, फाइनल इज योर फाइनल लेवल थर्ड लेवल। फाउंडेशन में बच्चे क्या टेस्ट करता है आईसीआई, एप्लीकेशन एंड कॉम्प्रीहेंशन एंड नॉलेज। कॉम्प्रीहेंशन एंड नॉलेज, जो हमने पढ़ा, क्या बच्चे को उसकी नॉलेज है और हाउ दैट इज गोइंग टू बी अप्लाइड इन सिचुएशन, कि कैसे कैसे उस नॉलेज को वो सिचुएशंस में अप्लाई करके चल रहे हैं। ये फाउंडेशन लेवल पे यही दो बातें टेस्ट करी जाती हैं। अब इन दोनों में से कोई भी कमी रह जाती है तो बच्चे नहीं क्लियर कर पाते, ओके जी। इंटरमीडिएट लेवल पे क्या चेक होता है, इंटरमीडिएट लेवल पे नॉलेज तो रहेगी रहेगी, एप्लीकेशन भी रहेगी रहेगी, साथ में एनालिसिस कि नॉलेज, नॉलेज हो गई उसको सिचुएशन में अप्लाई कर दिया और उसका एनालिसिस क्या है, हम उससे क्या समझ पा रहे हैं, कैसे उसको इंटरप्रेट कर पा रहे हैं, ठीक है जी। ये इंटरमीडिएट लेवल पे टेस्ट होता है और फाइनल लेवल पे नॉलेज के साथ साथ एनालिसिस एंड एप्लीकेशन प्लस इवैल्यूएशन एंड सिंथेसिस। इवैल्यूएशन एंड सिंथेसिस का मतलब कि कैसे उसको डिसीजन ले पा रहे हैं। अब सीए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जब फाइनल लेवल के एग्जाम देगा या फाइनल लेवल पे उसकी नॉलेज टेस्ट करी जाएगी तो उसको नॉलेज तो हो गई, उसने अप्लाई भी कर लिया सिचुएशन में, उसने इंटरप्रेट भी कर लिया, बट उस चीज को कैसे वो कम्युनिकेट कर पा रहा है या कैसे उसके बेसिस पे डिसीजन ले पा रहा है। अगर डिसीजन ही गलत हो गया तो काम नहीं बनेगा, ठीक है जी। तो ये तीन स्टेजेस होती हैं, ओके जी। सर थोड़ा सा और इनके बारे में बताइए, ठीक है मैं और बताता हूं आपको इसके बारे में। देखिए जी, कॉम्प्रीहेंशन एंड नॉलेज, कॉम्प्रीहेंशन एंड नॉलेज में क्या क्या टर्म्स ज्यादातर यूज करी जाती है, जैसे कि डेफिनेशन, स्टेटिंग, एनालिस्टिंग, आइडेंटिफाइंग, एक्सप्लेनिंग, ये सब क्या है, ये टर्म्स यूज करी जाती है कॉम्प्रीहेंशन में। एनालिसिस में अगर एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन में अप्लाइंग कॉन्सेप्ट्स, प्रोविजंस को अप्लाई करो, थ्योरी को अप्लाई करो इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग नॉन कंप्लीट सिनेरियोस। एनालिसिस में अप्लाइंग, कंपेयरिंग, एनालाइजिंग द कॉन्सेप्ट, प्रोविजन, थ्योरीज, प्रिंसिपल इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग इन अ मॉडरेट कॉम्प्लेक्स सिनेरियोस। ये तो नॉर्मल सिनेरियोस की बात, नॉन कॉम्प्लेक्स की बात होगी एप्लीकेशन की, और एनालिसिस में क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स की। अब यहां फर्क क्या आ गया कि फाउंडेशन लेवल पे सिर्फ एप्लीकेशन, यानी कि कॉम्प्लेक्स सिचुएशन नहीं आएगी फाउंडेशन में, बट इंटर में थोड़ी सी क्या होगी, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होगी, उसमें आप कैसे सिचुएशन को एनालाइज करके उसको अप्लाई करते हो, क्योंकि अगर सिचुएशन को एनालाइज ही गलत कर लिया, समझ ही गलत लिया, तो एप्लीकेशन भी गलत हो जाएगी, ठीक है जी। और फाइनल लेवल में क्या होता है, फाइनल लेवल में इवैल्यूएशन एंड सिंथेसिस, दैट मींस इंटीग्रेटिंग एंड असेसिंग द प्रोविजन, प्रोविजन को इकट्ठा करना, उसकी असेसमेंट करना, प्रिंसिपल्स,
प्रिंसिपल्स कंसेप्ट थ्योरीज टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम एंड सिचुएशन। सिचुएशन कॉम्प्लेक्स ही है। अब 10 चीजें एक ही चीज में, एक ही सिचुएशन में क्या है कि बहुत सारे प्रोविजंस मिक्स हैं, तो कैसे उनको इंटीग्रेट कर रहे हैं और कैसे उस सिचुएशन को असेस कर रहे हैं और अपना डिसीजन ले पा रहे हैं। तो ये एक स्टेजेस होती है इंस्टीट्यूट की। इंस्टीट्यूट कभी भी खिचड़ी नहीं पकाता, हर सिचुएशन में उनको पता होता है कि बच्चा अभी बच्चे का थिंकिंग लेवल क्या है, तो उस हिसाब से वो सिचुएशन को कंटिन्यू रखता है। इज दिस क्लियर? हाँ जी, हाँ जी। चलिए अब हम जानेंगे कि सीए की तैयारी कैसे होती है, मतलब सीए में एंट्री कैसे करी जाती है, क्या उसके बारे में हम थोड़ा सा एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जो आईसीआई का मेन जो ऑब्जेक्टिव जो हम डिस्कस करना है वो ये चीज है कि भैया कैसे कैसे हम जा सकते हैं, क्या क्या स्टेजेस है, ये सब के बारे में हम जानकारी लेंगे। सीए करने के लिए देर आर टू रूट्स। फर्स्ट इज योर फाउंडेशन रूट एंड सेकेंड इज योर डायरेक्ट एंट्री रूट। हाँ जी, फाउंडेशन रूट का मतलब क्या हुआ कि 12th के एग्जाम दिए, सीए में रजिस्टर करा लिया, और डायरेक्ट एंट्री का मतलब क्या हुआ, ग्रेजुएशन के बाद या कॉस्ट अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी वगैरह बनने के बाद आप सीए में जा रहे हैं। डायरेक्ट एंट्री रूट को मैं जनरली रिकमेंड नहीं करूंगा, रीजन बीइंग इसमें बच्चे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। कैसे? पहले आपने ग्रेजुएशन के 3 इयर्स कंप्लीट किए, उसके बाद आप सीए में जाएंगे, सिर्फ आपको एंट्रेंस फाउंडेशन एग्जाम नहीं देना बट आपको 3 इयर्स की आर्टिकलशिप भी करनी है, फाइनल एग्जाम भी देने हैं, तो वो बहुत लंबा टाइम पीरियड रहता है। तो जनरली मैं रिकमेंड करूंगा फाउंडेशन रूट से जाए, 12th के एग्जाम देते ही सीए में एंट्री ले लीजिए और साथ साथ अपनी ग्रेजुएशन को भी कंटिन्यू करिए। यहां पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, सर ग्रेजुएशन आपने बोल दिया, अब ग्रेजुएशन में सर ये सुनने में आया कि रेगुलर कॉलेज सीए के साथ नहीं कर सकते, तो ऐसा क्या है? जरूरी है? क्या पॉइंट मैंने रेज किया? रेगुलर कॉलेज प्लस सीए, क्या सर ऐसा होता है? रेगुलर कॉलेज और सीए कर सकते हैं या नहीं? अ बिग यस टू दिस। रेगुलर कॉलेज के साथ सीए बिल्कुल कर सकते हैं। मेरा खुद का एग्जांपल, मैंने रेगुलर कॉलेज, आई कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन बीकॉम ऑनर्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी केशव महाविद्यालय कॉलेज, और साथ में मैंने अपना चार्टर्ड अकाउंटेंसी चलाया। बस पॉइंट क्या आता है कि अगर आपके कॉलेज के फाइनल ईयर तक इंटर के एग्जाम क्लियर हो गए तो आपका क्या रहेगा? अब आपके पास दो ऑप्शन है कि कॉलेज का फाइनल ईयर करो या अपनी आर्टिकलशिप स्टार्ट कर दो। गलत डिसीजन क्या होगा कि अगर हमने आर्टिकलशिप स्टार्ट कर दी, क्योंकि 2 साल आपके ग्रेजुएशन के कंप्लीट हो गए हैं रेगुलर कॉलेज में, फाइनल ईयर में कॉलेज को छोड़ने का, ड्रॉप आउट करने का फायदा नहीं है। इससे बेटर क्या है कि 1 साल के लिए सीए को आप ड्रॉप आउट कर दीजिए, रेगुलर कॉलेज को कंप्लीट कर लीजिए, देन यू कैन स्टार्ट योर आर्टिकलशिप। फर्क कितना आया? ओनली एंड ओनली 1 ईयर का। बट वो रेगुलर कॉलेज में फाइनल ईयर में रेगुलर करने से बेनिफिट क्या क्या है? एक्सपोजर टू वेरियस सोसाइटीज। कॉलेज में बहुत सारी चीजें होती है जो कि एक सीए स्टूडेंट अपनी पढ़ाई के दौरान, पढ़ाई में इतना वो मग्न हो जाता है कि वो चीजें नहीं कर पाता, तो क्यों ना हम वो रेगुलर कॉलेज में बाद में कर लें। डेफिनेटली बिल्कुल बाद में कर सकते हैं। अलग अलग सोसाइटीज को ज्वाइन कीजिए, लोगों से इंटरेक्शन बनाइए, फेस्ट को इंजॉय कीजिए, सारी चीजें आप अपने फाइनल ईयर में कर सकते हैं, उसके बाद अपने सीए को कंटिन्यू कर लीजिए। बेनिफिट ही बेनिफिट है। सर अगर रेगुलर कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला तो क्या होगा? कोई बात नहीं, SOL है आपके पास, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, ओपन यूनिवर्सिटी से कर लीजिए। बट वहां भी बच्चे टाइम मत वेस्ट कीजिएगा, जितना हो सकता है अपने माइंड को, अपने नॉलेज को शार्प कीजिए, लोगों से इंटरैक्ट कीजिए, अपने मेच्योरिटी लेवल को बढ़ाइए। जो जो भी बच्चे कॉलेज में जाते हैं रेगुलर कॉलेज में, वो यही चीज में आगे निकल जाते हैं, क्योंकि उनका इंटरेक्शन लेवल, उनकी प्रेजेंटेशन स्किल, उनकी पर्सनैलिटी अपने आप ही डेवलप हो जाती है। SOL वालों में कमी रह जाती है क्योंकि वो घर पे बैठे रह जाते हैं, वो इस चीज में एफर्ट नहीं लगा सकते। बट आप भी, SOL वाले स्टूडेंट्स भी इस चीज में एफर्ट लगा सकते हैं बाय इंटरेक्टिंग पीपल्स। आप कहीं जॉब कर लीजिए, कहीं इंटर्नशिप कर लीजिए, बहुत सारी चीजें अवेलेबल होती हैं वहां पर जाके आप कर सकते हैं। चलिए जी, अब डिस्कशन करते हैं हम कोर्स को। फाउंडेशन रूट में क्या होगा? रजिस्टर्ड विद बोर्ड ऑफ स्टडीज आफ्टर अपीयरिंग 12th एग्जाम। 12th के एग्जाम देने के बाद आपके पास दो कट ऑफ डेट्स होती हैं कि 30 जून तक, 30 जून तक रजिस्टर करा लीजिए और 31st दिसंबर तक। अगर 30th जून तक रजिस्टर कराया तो अगली जो नवंबर पड़ेगा आपका फाउंडेशन का एग्जाम हो जाएगा, और 31st दिसंबर तक कराया तो नेक्स्ट मई में आपका फाउंडेशन का एग्जाम होगा। एलिजिबल टू अपियर इन नवंबर और मई एग्जाम आफ्टर पासिंग 12th एग्जामिनेशन। नवंबर मतलब जून वाले और मई मतलब दिसंबर वाले। तो 12th का एग्जाम करने के बाद पास होना जरूरी है। अगर कोई बच्चा 12th में रह गया तो वो सीए का एंट्रेंस नहीं दे पाएगा। 12th में पास होना बहुत जरूरी है, ठीक है जी। फाउंडेशन एग्जाम को क्वालिफाई कर लीजिए, उसके बाद क्या करिए, उसके बाद रजिस्टर फॉर इंटर कोर्स में रजिस्ट्रेशन करा लीजिए।
इंटर कोर्स में रजिस्टर कराने और इंटर कोर्ट में रजिस्टर कराने के लिए उसके बीच में आपको एक ICITSS, ICITSS मतलब इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल, ये 4 वीक्स का कोर्स है, ये करना ही पड़ेगा बिफोर कमेंसमेंट ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग शुरू होने से पहले। अब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कब होगी, आइए, इंटर कोर्स में रजिस्टर कराया, इंटर का स्टडी पीरियड होता है 8 महीने का, 8 महीने का स्टडी पीरियड है, यानी कि आपने जब रजिस्टर कराया तो उसके 8 महीने बाद यू कैन गिव योर एग्जाम्स। वो देखना पड़ेगा कि मई में फॉल हो रहे हैं, नवंबर में फॉल हो रहे हैं, और पास इन आइदर और बोथ द ग्रुप्स ऑफ इंटरमीडिएट और रजिस्टर फॉर 3 ईयर्स ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। अब ध्यान से सुनिएगा क्या मैं कह रहा हूं, फाउंडेशन का एग्जाम क्लियर किया, इंटर के कोर्स में अपने आप को रजिस्टर करा लिया, ठीक है जी। अब इंटर के साथ साथ एक ICITSS करना है, इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल, 4 वीक्स का कोर्स है, वो करना है, ठीक है जी। अब या तो इंटर का कोर्स में रजिस्टर कराते ही ICITSS पहले कर लीजिए, फिर अपनी 8 महीने के जो टाइम पीरियड है उसमें ICITSS कर लीजिए और पढ़ाई कर लीजिए और फिर आर्टिकलशिप स्टार्ट कर दीजिए, या फिर अपने एग्जाम्स देने के बाद उस कोर्स को, आईटी वाले कोर्स को कर लीजिए, बट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से पहले ये वाला कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए, ICITSS प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से पहले हो जाना चाहिए। और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कब स्टार्ट होगी, जो आपके इंटरमीडिएट के 2 ग्रुप्स हैं, 2 ग्रुप्स में डिवाइड रहते हैं, 8 सब्जेक्ट हैं, चार चार करके 2 ग्रुप्स में डिवाइड है, दोनों में से कोई भी ग्रुप क्लियर हो जाए यू आर एलिजिबल टू स्टार्ट योर आर्टिकलशिप ट्रेनिंग। बट मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन ये रहती है कि जब तक आपके दोनों ग्रुप्स क्लियर ना हो आर्टिकलशिप ट्रेनिंग स्टार्ट ना करें। रीजन बी कि बच्चे आर्टिकलशिप ट्रेनिंग स्टार्ट करने के लिए आपको प्रॉपर नॉलेज अगर हो जाए ना तो ज्यादा अच्छा रहता है। अब मान लीजिए कोई भी ग्रुप क्लियर हो गया तो आपके पास ऑलरेडी क्या रहेगा, बर्डन रहेगा दूसरे ग्रुप का कि वो भी पढ़ना है और साथ में हमने ऑफिस भी स्टार्ट कर लिया, पढ़ाई कहीं ना कहीं हैम्पर हो जाती है, क्योंकि जैसे जैसे आप इनिशियली लेवल पे आप ऑफिस में जाएंगे आपको एग्जामिनेशन लीव भी नहीं मिलेगी तो वहां प्रॉब्लम रहती है, फिर क्लियर नहीं होगा, फिर वो बड़ा मिक्सअप सा हो जाता है। तो व्हाई डोंट यू क्लियर फर्स्ट बोथ द ग्रुप्स देन स्टार्ट योर आर्टिकलशिप ट्रेनिंग। और आजकल तो फर्म्स भी वही रिकमेंड करते हैं कि भाई बोथ ग्रुप्स क्लियर हो देन वी विल कंसीडर द स्टूडेंट। आर्टिकलशिप बहुत ही बहुत अच्छी जगह से करनी है, ये जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है ना 3 साल की, ये बहुत ही अच्छी जगह से करनी है। अब डर क्या लगता है कि सर 3 साल की ट्रेनिंग, 3 साल सर बहुत लंबा पीरियड है, बच्चे बहुत ही अच्छा एक्सपोजर आप गेन्स कर सकते हैं इन 3 साल में, आपको कोई भी बीट नहीं करेगा अगर आपने अपनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बहुत ही अच्छे से करी है। सर कहां से करें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, कहां से करें, क्या बिग फोर्स बड़ी बड़ी जगह से करें, नॉर्मल फर्म से करें, बच्चे इसकी कोई प्रॉपर क्राइटेरिया नहीं है। अगर आप बहुत ही अच्छी जगह से बिग फोर से करें, बिग फोर फर्म से जैसे KPMG, PwC, डिलॉयट, EY और भी फर्म्स है, ग्रैंड थॉर्नटन, BMR, TR चड्डा, तो इन इस टाइप की फर्म से आप करते हैं तो बहुत अच्छा एक्सपोजर आपको मिलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट सर छोटी मोटी फर्म्स भी होती हैं, हमारे पड़ोस में भी CA फर्म है, क्या हम वहां से कर सकते हैं, बच्चे कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा बस ये असेस कर लीजिए कि उनके पास किस टाइप का काम है, एक्सपोजर किस टाइप का मिलेगा, तो आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बहुत ही ध्यान से और करनी जरूर है, छोड़नी नहीं है, करनी जरूर है बहुत ही अच्छे से, ठीक है जी। हाँ जी, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ साथ जब आपने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के रजिस्ट्रेशन करा लिया साथ साथ यू आर एलिजिबल टू रजिस्टर फॉर योर CA फाइनल कोर्स एंड आफ्टर पासिंग बोथ द ग्रुप्स ऑफ इंटरमीडिएट, CA इंटरमीडिएट के दोनों ग्रुप्स पास होने के बाद आप फाइनल कोर्स में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अब पॉइंट क्या रेज हुआ था, इंटरमीडिएट का एक भी ग्रुप क्लियर हुआ हमने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी, बट फाइनल के लिए रजिस्ट्रेशन कब करेंगे, जब बोथ ग्रुप्स क्लियर हो जाए, ठीक है। नाउ व्हाट, सक्सेसफुली कंप्लीट 4 वीक्स ऑफ एडवांस ICITSS। अब जो मैंने बताया था इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल, इसका एक एडवांस लेवल भी हमें करना पड़ेगा, वो कब करना पड़ेगा, इन द लास्ट 2 ईयर्स ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, मतलब 3 साल की ट्रेनिंग है, 1 साल कंप्लीट होने के बाद लास्ट 2 ईयर्स में आप कभी भी उसको कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है जी। अब सर ये ICITSS प्लस ये एडवांस ये क्या है, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ये जो कोर्स हैं दोनों एडवांस जो IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल के कोर्स हैं, बहुत ही अच्छे ट्रेमेंडस कोर्स इंस्टीट्यूट ने निकाले हैं, इसके बारे में आपको जानकारी के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, वहां से आप इस चीज के बारे में क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। देन
ये भी हमने कर ली। उसके बाद अपियर इन द फाइनल एग्जाम्स ड्यूरिंग द लास्ट 6 मंथ ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, यानी कि आपके आर्टिकलशिप के 2.5 साल कंप्लीट होने के बाद यू आर एलिजिबल फॉर व्हाट, सीए फाइनल एग्जाम एंड आफ्टर सक्सेसफुली कंप्लीशन ऑफ एडवांस ITIC SS। ठीक है जी, एडवांस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग और 2.5 इयर्स आर्टिकलशिप के कंप्लीट होने के बाद यू आर एलिजिबल फॉर फाइनल एग्जाम्स। ठीक है जी, फाइनल एग्जाम्स दे दिए, अपनी जो लास्ट 6 मंथ है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के वो कंप्लीट कर दीजिए, फाइनल एग्जाम्स को क्वालिफाई कर दीजिए और ICAI के मेंबर बन जाइए। यहां पर मेंबर बनते ही आपको क्या मिल जाएगा, मेंबरशिप नंबर। ठीक है जी, ये था व्हाट, दिस इज व्हाट, दिस इज द नॉर्मल रूट। अब मैं बात करता हूं डायरेक्ट एंट्री रूट की। डायरेक्ट एंट्री रूट में क्या होता है, इंटरमीडिएट पास स्टूडेंट्स ऑफ आईसी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट, जो भी कॉस्ट अकाउंटेंट के स्टूडेंट है जिन्होंने इंटरमीडिएट ग्रुप पास कर लिया है, या फिर कंपनी सेक्रेटरी के स्टूडेंट जिन्होंने इंटर का सीएस का इंटर, या फिर सी शॉर्ट में बोला जाए सीएस का इंटर या सीडब्ल्यूए का इंटर जिन्होंने भी पास कर लिया है, या फिर कोई भी कॉमर्स ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट है विद 55% बीकॉम वगैरह का है, या फिर एमकॉम वगैरह का स्टूडेंट है जिसकी 55% मार्क्स आए हुए हैं, या कोई और ग्रेजुएट है बीए वगैरह का स्टूडेंट है, बीटेक वगैरह के स्टूडेंट है जिसके 60% मार्क्स है, वो सब डायरेक्ट एंट्री के थ्रू क्या कर सकते हैं जी, एंट्री ले सकते हैं सीए कोर्स में। मेन चीज क्या रहेगी, फाउंडेशन कोर्स नहीं करना, बाकी सब कुछ करना पड़ेगा एज इट इज। क्या क्या करना पड़ेगा उसका दोबारा मेरे को बता दीजिए। एक तो क्या करना पड़ेगा, 4 वीक्स ऑफ ICITSS वो करनी पड़ेगी, फाउंडेशन नहीं करना बाकी सब करना है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। ठीक है जी, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर ली, इंटर्नशिप कर ली, ज्वाइन 3 इयर्स ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एंड अपियर इन द इंटरमीडिएट एग्जाम आफ्टर 9 मंथ्स ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। यहाँ पर क्या है, आईटी ट्रेनिंग करते साथ ही आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में रजिस्टर कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप 9 महीने की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के बाद इंटरमीडिएट के एग्जाम दे सकते हैं, मतलब पहले वो 9 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट करनी जरूरी है, देन यू विल बी एलिजिबल टू गिव योर इंटरमीडिएट एग्जाम्स। ठीक है जी, उसके बाद आपका सेम प्रोसेस, फाइनल कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन कराइए, एडवांस आईटी का कोर्स कीजिए, फाइनल के एग्जाम्स कर लीजिए, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लीजिए, सीए के एग्जाम्स को क्वालिफाई कर दीजिए। ठीक है जी, बिल्कुल सेम चीज है, बट फर्क क्या पर आया, फर्क यह आया कि सिर्फ फाउंडेशन का एग्जाम नहीं देना और थोड़ा सा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में हल्का फुल्का यहां पर फर्क है। हाँ जी, समझ में आया सीए कोर्स के बारे में। वैसे आपको रहते रहते करते करते और जानकारी मिलती रहेगी, बट मैंने एक ओवरव्यू सा आप लोगों को दे दिया है ताकि हम जा रहे हैं तो हमसे कोई पूछ ले सीए कोर्स के बारे में तो हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। हाँ जी, चलिए, अब जो हमारे कोर्सेज है फाउंडेशन, इंटर और फाइनल, इसकी मैं एक सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा, फाउंडेशन कोर्स की डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए वीडियो, इंटर के लिए डिटेल वीडियो एंड फाइनल के लिए डिटेल वीडियो। हाँ जी, हमारा हमारी खुद की क्लासेस चलती है, फेस टू फेस क्लासेस चलती है इंस्टीट्यूट फॉर प्रोफेशनल स्टडीज, जिसकी डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है, आप क्लासेस के लिए हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मैं जो सब्जेक्ट टीच करता हूँ वो फाउंडेशन लेवल पे अकाउंटिंग का सब्जेक्ट हो गया, इंटरमीडिएट में अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन, एंड फाइनल लेवल पे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये सब्जेक्ट्स हैं मेरे जो कि मैं टीच करता हूँ। इफ यू वांट टू टेक क्लासेस यू कैन गो इन द डिस्क्रिप्शन एंड वहां पर आप हमें हमारे इंस्टीट्यूट के इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। ठीक है जी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कर दीजिए, जितने ज्यादा हो सके इसको शेयर कर दीजिए और चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉर मोर अपडेट्स बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। मैं जितने हो सके वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा, मेरे चैनल को सक्सेसफुल बनाना बच्चों आप लोगों का काम है, मैं एफर्ट्स करता रहूंगा, मेरा साथ आप लोग देते चली जाइए, फिर देखिए हम कहां ऊंचाइयों तक पहुंच जाएंगे। हाँ जी, चलिए जी, मैंने अपने फोन नंबर्स वगैरह भी दे रखे हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, अगर कॉल रिसीव नहीं होगा यू कैन ड्रॉप द मैसेज एंड किसी भी टाइम आप अपना मैसेज ड्रॉप कर दीजिए और विद इन 48 आवर्स यू विल डेफिनेटली गेट योर रिप्लाई। ठीक है जी, चलिए फिर मिलेंगे बच्चों अगली वीडियो में, जो कि मैं इसी की एक्सटेंशन होंगी, फाउंडेशन, इंटर और फाइनल की डिस्कशन के बारे में डिटेल डिस्कशन, और ये आईटी ट्रेनिंग के जो भी कोर्स है इनके बारे में मैं एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा। चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।